मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कारण कोई नहीं है। बब्बर हम लोग अभी खुद ही रोके हुए हैं और बब्बर बहुत जल्द रिलीज करेंगे क्योंकि ईद पे अभी सलमान खान साहब की पिक्चरें आ रही हैं। हम लोग ईद पे सोचे हुए थे, लेकिन हमारा भी एक अपना टारगेट है कि कम से कम जिस दिन बब्बर को रिलीज करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया कम से कम 900 से 1000 थिएटर रिलीज करेंगे वन टाइम। बब्बर में सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी और सेकेंड लीड में मैं हूँ और तनुश्री, मोहिनी घोष, संजय पांडे जी, चंदन उपाध्याय डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा लगा और बाई नेचर और उनका व्यवहार सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब वो एक बड़े भाई का जो सम्मान वो देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके साथ दोबारा मैं ज़रूर फिल्म करूँगा और बहुत जल्द करूँगा। देखिए कल्लू की क्या है, हम लोग सेट पे रहते थे, सबसे अच्छी बातें हमें ये लगी, मैं पहली फिल्म कर रहा था एज ए एक्टर और मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ होता था तो कल्लू सामने से खुद ही बोलते थे, समझाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक भाई जैसा सम्मान मिला। और कोई एटीट्यूड नहीं है कि मतलब मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, ये हूँ, तो वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। मोहिनी घोष जी हैं जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी फिल्में की हुई हैं, तो हमारे अपोजिट में मोहिनी घोष और कल्लू जी के अपोजिट में तनुश्री जी। कमेंट क्या, बहुत अच्छे एक्टर हैं मोहिनी जी ऑलरेडी। हम लोगों ने बहुत, क्योंकि मैं कोई मेरा शौक नहीं था फिल्म करना, लेकिन जब मैं फिल्म करने आया तो सारे लोगों ने मिल कर के मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे लगा ही नहीं कि मतलब मैं पहली बार पिक्चर कर रहा हूँ, और मोहिनी जी ने भी सपोर्ट किया, तो इसके लिए सारे लोगों को थैंक यू भी है मेरे तरफ से। शूटिंग कहाँ ये लखनऊ में शूट किए हैं हम लोगों ने बब्बर को, और बॉम्बे में भी शूटिंग किया है। फिल्म कितने गाने होंगे और किसने दिया है? 7 गाने हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो अपने घुंगरू जी, अविनाश जी, और गाने अभी ट्रेलर में आप लोगों ने देखे ही होंगे, 5 गाने हमारे ट्रेलर में हैं और अच्छे गाने हैं और अभी जल्दी ही रिलीज करेंगे गाने भी। मेरे ऊपर 2 गाने हैं और 5 गाने कल्लू जी के ऊपर में हैं, 7 गाने टोटल म्यूजिक हैं उसमें। और मुझे गाने एक्चुअल में जो घुंगरू जी ने बनाए थे बहुत अच्छे लगे थे, पसंद आए थे, तभी हम लोगों ने उस गाने को चुनाव भी किया था। चंदन उपाध्याय जी ने डायरेक्शन किया है और मेकिंग वाइज हर चीज़ पे उन्होंने एक एक चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है, एक अच्छी फिल्म बनाई है। और चंदन जी को मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आपने हमारी पहली फिल्म बब्बर जो आपने बनाई है और जो दर्शकों के लिए बनाई है, मेरे विराज फिल्म इंटरटेनमेंट को उन्होंने एक इस्टेब्लिश दिया है, बड़ी फिल्म बनाई है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। जलजला 1 जुलाई शूटिंग होगी, कहाँ पे करेंगे और किस तरह की? देखिए अभी कैसा है कि जलजला हम लोग फर्स्ट जून से शुरू करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे हिसाब से जो कैरेक्टर है उसके लिए मैं फिट नहीं था सच में, तो मैंने भी डायरेक्टर से राइटर से बोला कि मुझे 1.5 महीने सही है उसके लिए फिट होने के लिए, तो मैंने 1 जून को हटा करके लास्ट जून का प्लानिंग किया। 7 गाने हैं, यश कुमार जी का म्यूजिक है और 7 गाने हैं। फिल्म के डायरेक्टर अजय जी हैं, वो कितना भरोसा करते हैं उनके ऊपर? देखिए भरोसा का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी फिल्में किए हों, हर आदमी अपने लाइन का एक माहिर आदमी होता है। थोकदेव, सैया सुपरस्टार, पवन जी सुपरस्टार को लेके जिन्होंने फिल्म, तो वहाँ पे तो विश्वास करने का मतलब वही नहीं होता, विश्वास तो आपको करना ही करना है। नहीं वो तो देखिए जब कहते हैं ना कि हम लोग अपने बिजनेस लाइन में थे तो अपने प्रोफेशनल में थे, लेकिन यहाँ आने के बाद नौटंकी ऑटोमेटिक आ जाती है इंडस्ट्री में। तो जलजला कब तक रिलीज करेंगे? देखिए जलजला रिलीज करने का मतलब ये मान के आप चलिए कि सितंबर से पहले तो रिलीज ही नहीं करेंगे, अगर जून लास्ट में शूटिंग करेंगे या जुलाई फर्स्ट वीक में शूटिंग करेंगे, जून लास्ट में शूटिंग करेंगे तो 3 से 4 महीने तो जाएगा सितंबर अक्टूबर, या हो सकता है अपने बर्थडे के दिन भी रिलीज करूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.